कि मैं भारत की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं उसके खिलाफ लडूंगी यार ये कौन सी बगार्ती है मैं, मैं भारत के खिलाफ बर्दाश्त <laughs> यार इस्लाम कहता है कि हमने गज़वे हिंद करना है भारत के ऊपर अटैक करना है इसके मोहम्मद ने बोला यार क्या क्या कह रही है यार मुसल्टी है भाई मुसल्टी है क्या कर रही है यार ये तो नमरी भी की भी इंतेहा है भाई नो इट्स लाइक क्या है सीरियसली एज स्ट्रीमिस्ट रेडिकल्स जो पता नहीं कहाँ कहाँ से हदीस खुद लिख कर ले आते हैं सामने के ये हदीस में ये लिखा है वो हदीस में ये लिखा है काफिरों को मारना है की राइट्स छीननी है ऐसे करना है वैसे हदीस ये तो, तो कुरान है मैं बोला ना ये कहां उस पे अरुंधति रोय पे बोलते बोलते वापिस सेक्स मुस्लिमों पे आ गई और हदीसे हम खुद घर से लिख के ला रहे हैं हद हो गई है अभी ये तो कुरान क्या मारना है ये कौन सी अदीज है किसने कही अदीज है इसके घर की अदीज है ये किसने इस चीज को अदीज बोला क्या बकवास है लगता है इन्होंने कभी इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है क्या बिल्कुल अपंग मोमिन आते हैं वैसे ही अपंग तो पढ़ने, पढ़ने वाले कुरान पढ़े लगता है इन्होंने इन्होंने पढ़ा ही नहीं है गारंटेड अगर पढ़ा भी है तो तरजुमे के साथ नहीं पढ़ा सिर्फ अरबी पढ़ी हुई हम्म बहुत पॉसिबल आगे हमने कि ये हदीस में ये लिखा है वो हदीस में ये लिखा है काफिरों को मारना है माइनॉरिटीज की राइट्स छीननी है ऐसे करना है वैसे हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा ये सब जो गलत गलत चीजें इस्लाम को पॉलिटिसाइज करते हैं एक वो रिलीजन है जैसे आपने मुझे समझाया कि इबादत करें स्पिरिचुअल यू नो स्पिरिचुअल रहे पूरे कुरान में याना मीर मुझे एक आयत दिखा दे जहां पे लिखा है सिर्फ इबादत करें स्पिरिचुअल रहें मैं आज अभी के भी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं ये ये सिर्फ आयत दिखा दे इबादत करें स्पिरिचुअल रहें इट ये आयत मुझे दिखा दे मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ मैं आपको बताऊँ कुरान में क्या लिखा है लेट मी टेल यू कुरान चैप्टर नंबर नंबर तुम नफरत करते हो लड़ाई करने को मगर अल्लाह समझता है बेहतर तुम लोगों से और वो तुम्हें कहता है लड़ाई करो और जो अल्लाह समझता है वो बेहतर है और तुम लोग नहीं जानते कि अल्लाह इस को बेहतर समझता है कुरान चैप्टर नंबर फोर्टी सेवन फोर इनकी गर्दनों पे मारो किससे मारो झाड़ू से तीले से बरस से नहीं भाई तलवार की बात हो रही है धर गर्दन धर से अलग करने की बात हो रही है कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 26 अल्लाह इनके दिलों में टेरर क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कत्ल करो जहां पे तुम इनको पाओ और इब्ने कसीर इसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये वर्स ऑफ सॉर्ड इसको एक्सप्लेन करते हैं निसाई की 432 बुखारी की 438 एंड बुखारी की 335 मोहम्मद की दहशत और टेरर एक महीने की मुसाफत से अल्लाह ने क्रिएट कर दी थी मोहम्मद कहता है मेरे अल्लाह ने मेरी दहशत क्रिएट की है नॉन मुस्लिमों के ऊपर एक महीने की मुसाफत से हिजरत की मोहम्मद है सूर्य बकरा की टू, बकरा, आयत जो जिहाद करते हैं, सिर्फ से अच्छाई का तलब गार है और कोई नहीं, नहीं। हिजरत करने वालों में सबसे अच्छे लोग कौन है जो लड़ाई करते हैं जिहाद करते हैं चैप्टर एटी एट नंबर चैप्टर नंबर थ्री में अल्लाह बताता है तुम्हें लगता है कि तुम जन्नत जा सकते हो जन्नत सिर्फ वो जा सकता है जो जिहाद करता है काफिरों से और इसका कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है अहद की लड़ाई का कॉन्टेक्स्ट है जंग कांबर सिक्सटी वर्ष नंबर वन किस कॉन्टेक्स में आई है कि मोहम्मद ने कहा फौजें तैयार करो हमने मक्का पे हमला करना है किसी को बताना नहीं है चुप चुपीते हमला करना है बता के भी नहीं करना नंबर 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 है, चैप्टर क्लियरली मैं जिहाद करो अगर तुम तलवार से नहीं कर सकते तो पैसे के साथ करो पैसा दे दो उन लोगों को ताकि वो अपने लिए मालेब क्रिएट कर सके जिहाद के लिए चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 31 क्या का है इसके ऊपर कि ये जो मुजाहिदीन की बात की है ना चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 31 के अंदर ये वो लोग हैं जो शहीद होंगे और ये जन्नत के परिंदे बनेंगे चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 77 टू 78 अल्लाह के लिए जिहाद करो क़त्ल कताल करो मैं नहीं कह रहा हूं कुरान कह रहा है हदीसों को भी साबित नहीं कर रहा अल्लाह कहता है चैप्टर नंबर नंबर के अंदर मोमिन कौन है जो जिहाद करता है अपनी जान से और अपने माल से अपनी जान से और अपने माल से ये हदीस है ये कुरान है जिहाद कौन सा दिखा रहे हैं दुनिया की कोई सी भी तफसीर खोल लो तुम्हें तो पता जिहाद कौन सा है जाके आगे भर के अटैक करने का चैप्टर नंबर फाइव वस्न नंबर 35 जिहाद करो अल्लाह की राह में किस चीज के लिए चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 16 19 20 22 24 41 44 73 क्या कहता है अल्लाह लड़ो मरो अगर मर गए तो जन्नत नहीं मरे तो गाजी कॉन्टेक्स्ट कहां से लिया है तफसीरों में इन्होंने कॉन्टेक्स्ट कौन लिया है चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 167 जाओ अटैक करो मार दो मर जाओ फिर अल्लाह क्या कहता है कि या मोहम्मद इन लोगों का जनाजा भी ना पढ़ना इन लोगों का जनाजा बिना पढ़ना नंबर फोर के अंदर चैप्टर नंबर नाइन की जनाजा भी ना पढ़ना ये तेसर जहाज पे नहीं जा रहे कहाँ पे बारह किलोमीटर दूर तबूक के ऊपर तेसर जहाद पे नहीं जा रहे, रहे। इन्हें वजन उठा के लड़ाई पे जाना बुरा लग रहा है लोगों का कुफार का कत्ल करना बुरा लग रहा है इतनी दूर ट्रैवल करना बुरा लग रहा है तूने इनके जनाजे में भी नहीं करनी। चैप्टर नंबर नाइन सोलह क्या कहती है अल्लाह और उसका नबी प्यार करता है किससे सिर्फ वो जो अल्लाह की राह में लड़ाई करते हैं। चैप्टर नंबर नाइन वर्ष नंबर ट्वेंटी फोर अगर तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा बिजनेस बिजनेस तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल तुम्हें लड़ाई करने से रोके तुम अल्लाह के लिए हो ही नहीं चैप्टर नंबर नाइन वर्ष नंबर फोर्टी फोर क्या कहती है अगर तुम मोहम्मद से प्यार करते हो तो तुम मोहम्मद से पूछ क्यों रहे हो लड़ाई पे जाने के लिए लड़ाई पे निकलो कतलो किताल करो चैप्टर नंबर नाइन की वर्ष नंबर एटी वन क्या कहती है अगर तुम मोहम्मद के साथ जिहाद भी नहीं गए और पीछे रहने वालों में हो गए तो जहन्नम में सड़ोगे तुम मुनाफिको तुम मुनाफिको जहन्नम में सड़ोगे आप मुझे कहते हो ये नहीं लिखा हो आओ जिहाद को तुम स्ट्रगल बताते हो आओ लड़ाई की आयतें देखें

Chapter number 8, verse number 88. Chapter number 3, verse number 89. Chapter number 33, verse number 90. Chapter number 4, verse number 92. Chapter number 57, verse number 94. Chapter number 47, verse number 95. Chapter number 57, verse number 101. Chapter number 22, verse number 103. Chapter number 48, verse number 111. Chapter number 5, verse number 112. Chapter number 9, verse number 113. ये कहती हैं वार करो किताल पे आना है चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 74 टू तो 75 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 190 191 192 193 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 216 टू तो 17 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 12 टू तो 14 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 111 टू तो 146 151 156 157 158 167 टू 169 195 चैप्टर नंबर 33 Verse 13, 15, 17, all the way to 24, 9, verse 82, 7, verse 10, 11, 47, verse 46. 59, verse 11 47, 59, 14, 22, verse 39 to 58, 48 उसके कॉन्टेक्स में इबीर क्या लेके आता है चैप्टर नंबर टू वर्स नंबर दो सोलह चैप्टर नंबर फाइव वर्ष नंबर सेवन टू सेवेंटी थ्री चैप्टर नंबर टू वर्स नंबर वन नाइनटी थ्री यू सीरियसली आर स्पीकिंग दिस आर यू श्योर नहीं एडम साहब ये उनके लिए ओवरडोज हो जाएगा एक्चुअली याना जी अगर आप सुन रही हैं तो आप अभी भी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकती है वरना जितने हवाले हमारे मुर्तदीन आडम साहब ने दिए हैं, उसको जरा एक बार क्रॉस चेक करना आप पढ़ी लिखी है आप जहीन लड़की है तो ऐसे ही हवा हुआ हवाई हुआ बातें करने से अच्छा जो हवाले आपको अभी आडम साहब ने दिए हैं उन हवालों का मुताला करे चेक करे और उसके बाद फिर अपनी राय कायम करे और हमें देखना है कि ये सब हवाले चेक करने के बाद ये सब चेक करने के बाद क्या आप अपने इसी पोजीशन पे कायम रहती है या फिर अपनी पोजीशन चेंज करती है ये हम इंतजार करेंगे लेकिन साहिब भाई इनको खुद का कुरान खोल के पढ़ना भी नहीं है और दूसरा ये बोलेगी कि एडम ने अपने घर से कुरान आयतें लिख के लाया नहीं वो तो अभी वो फिर बचकानी बात हो जाएगी ना फिर अगर इस तरीके से जवाब आएगा तो आप चेक कर हैं अब मैंने कुरान की तैयारी दी है तो हदीस क्या कहती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिहाद के पिलर वाली हदीस पढ़ते हैं मिशकात के अंदर है मिश्तुल मसाबी की हदीस नंबर चार है उसके अलावा मल्टीपल अदर हदीस हैं Uh, मिशकात की हदीस नंबर ट्वेंटी नाइन है नववी की हदीस ट्वेंटी नाइन ऑफ द चैप्टर फोर्टीन है रियात के अंदर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मल्टीपल हदीसें हैं साहिल अगर आप इस चीज़ को हदीस को पढ़ें तो आपको पता लगता है कि इस्लाम में जो पीक ऑफ इस्लाम है इस जिहाद मोहम्मद ने उसको रिप्रेज़ेंट किया है हम्प ऑफ अ कैमल से कैमल का हम्प जो है वो जिहाद है एग्जैक्टली टॉप मोस्ट है कि जब आप इस्लाम को पूरी तरीके से अपना लेते हैं अब आपने उसके अरूज पे पहुंच रहे अरूज पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा यू हैव टू किल चले इन सारी हदीसों को सारे रेफरेंस को सब चीज को गार्बेज में डाल दो मुझे एक चीज का आंसर दे दो एक मुसलमान अगर मरता है मुझे बताओ कि अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने हदीस में <coughs> कैसे मुसलमान के बारे में बताया है कि वो जन्नत में लाजमी जाएगा बस बाकी सारे रेफरेंस सारा कुछ छोड़ दो कूड़े में डाल दो कुरान हदीस सब कुछ कूड़े में डाल दो कौन सा मुसलमान है जो कंफर्म जनती है आप कुरान को पिक कर लो को लो. सिर्फ वो है जो जिहाद में खलूस नीयत के साथ की में लड़ते हुए मरेगा वो कन्फर्म जनती है उसके अलावा कोई मुसलमान कन्फर्म जनती नहीं है so, सो अगर जन्नत में जाने की कन्फर्मेशन का वाहि इकलौता कन्फर्म तरीका लड़ाई में मरना है तो भाई मुझे बताओ कोई भी मुसलमान टेररिस्ट क्यों नहीं बनेगा क्योंकि जिंदगी तो वैसे ही आरजी है यहां पे तो वैसे ही आप सिर्फ मुसाफिर की तरह रह रहे हो कंफर्म जनती के लिए पूरे कुरान हदीस के अंदर कुछ नहीं है बड़े से बड़े आलम बन जो आप कंफर्म जनती नहीं हो बड़े से बड़े डिबेटर बन जाओ कन्फर्म जनती नहीं हो, बड़े से बड़े साले इंसान बन जाओ कन्फर्म जनती नहीं हो। कन्फर्म जनती सिर्फ एक टाइप का मुसलमान है जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मरा है चैलेंज है मेरा तमाम मुसलमानों से मुझे कोई और कन्फर्म जनती दिखा दे, uh, रहे, uh, you know, uh, दे uh, रोजे रखें ये सब अच्छी चीजें हैं

वाह wow. यह नाम ये ओपन चैलेंज भाड़ में गया इस्लाम भाड़ में गया हर रिलीजन अगर तू ये बात प्रूफ कर देना कि सिर्फ डायर नीड में अटैक करना है कुरान के थ्रू हदीस गई भाड़ में तफसीर गई भाड़ में सिर्फ कुरान से ये बात साबित कर दे मैं इस्लाम लेने को तैयार हूं बोल ओपन चैलेंज चैनल बंद कर दूंगा बल्कि मैं साहिल के चैनल को भी बंद करा दूंगा और बताओ इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं क्या बात है साहिल के चैनल को भी बंद करा दूंगा साहिल सॉरी यार मैं तेरा चैनल भी बंद करा दूंगा कर देना कर देंगे कर देंगे इस्लाम में जहाद के तीन डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सेगमेंट नंबर वन लड़ो ही नहीं चाहे तुम्हारे ऊपर अटैक भी क्यों नहीं हो रहा सेगमेंट नंबर टू डिफेंस के लिए लड़ो सेगमेंट नंबर थ्री आगे से बढ़कर अटैक करो कतल करो तबाह करो बर्बाद करो क्यों जब आप बिल्कुल कमजोर हो सेगमेंट नंबर वन जब आप थोड़ी सी ताकत में आ गए हो डिफेंड करो जब आप तेतीस परसेंट से ज्यादा हो गए हो आगे से भर कर टैग करो कत्ल करो तबाह करो बर्बाद करो रेवल्यूशन ऑर्डर से भी साबित कर सकता हूं ये तीन सेगमेंट तफा से भी साबित कर सकता हूं ये तीन सेगमेंट हदीस से भी साबित कर सकता हूं ये तीन सेगमेंट फिका से भी साबित कर सकता हूं ये तीनों और सेगमेंट शराह से भी साबित कर सकता हूं यह तीन और किधर जाओगे कुरान ओल्ली भी आओगी कुरान ऑल्ली में तबाह करूंगा हदीस को लेके आओगी कुरान एंड हदीस से दबा करूंगा फिका को लेके आओगी कुरान हदीस और फिका से मारूंगा तुम्हारी क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग क्यों झूठ बोलते हो मुझे गुस्सा चढ़ है यार साहिल इसकी बातें सुन सुन के मैं खत्म हो गया तो और गुस्सा चढ़ाने की जरूरत नहीं है ये धोखेबाजी है गलत बयानी है याना जी आपको चैलेंज भी दे दिया गया है दो बड़े बड़े चैनल बंद करवा सकती है बड़ी आसानी से आप अगर आपको लग रहा है कि प्रोपेगेंडा है सिंपल आपको काम करना आइए डिस्कस करिए और अपना मुद्दा जो है वो साबित करिए हम अपना मुद्दा साबित करेंगे आप अगर आप सही साबित होती है तो हम अपना चैनल बंद कर कर देंगे और आप अगर गलत साबित होती है तो आप इस कल्ट से पब्लिकली बाहर निकलेंगी फैसला आपके ऊपर है